खबर आपको बता दें कि मथुआ समाज के संस्थापक को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो दिन के बांग्लादेश दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। कल हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली जाने का प्रोग्राम है उनका। और कंडी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मथुआ मंदिर से बंगाल चुनाव को भी साथ देंगे। बंगाल में क्योंकि 3 करोड़ मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं, 50 सीटों पर उनका सीधा सीधा असर है, तो बांग्लादेश से बंगाल बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, साधने की कोशिश होगी। और इसी के साथ कल वो मंदिर भी जाएंगे जो एक पवित्र स्थल है मथुआ समुदाय का, वहां पर वो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और सीधा सीधा उसका असर देखना होगा कि बंगाल में क्या पड़ता है। हालांकि कल देखिए 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन एक तरफ जब लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 2 मंदिरों का दौरा करेंगे जिसके राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा है। और रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, देखिए ये दौरा कूटनीतिक लिहाज से तो बहुत खास है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मथुआ समाज पर भी पड़ेगा। और देखिए मथुआ समाज जिसकी आबादी बंगाल में 3 करोड़ है, अगर इस आबादी को साध लिया तो बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए बिल्कुल, 70 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं जिस पर कि मथुआ समाज का प्रभावित करता है, जीत हार की जो दिशा है वो तय करता है। तो ऐसे में ये मथुआ समाज को साधना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, TMC भी लगातार मथुआ समाज को साधने की कोशिश करती रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो बांग्लादेश दौरा है जिसमें कि संस्थापक जो मथुआ समाज के रहे हरी ठाकुर, उनके गाँव वो जा रहे हैं, तो इससे बड़ा संदेश जाएगा क्योंकि जो मथुआ समाज के लोग हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी उसी तरह से एक्टिव हैं। इसके अलावा विश्व के अन्य देशों में भी उनकी शाखाएं हैं, उनका एक संगठन है। और जो मथुआ समाज के दूसरे नेता हैं उन्होंने भी कहा था कि जो अगर आप में संगठन नहीं है तो आप में ताकत नहीं है, तो यानी वो संगठन पर यकीन करते हैं। और अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति उनके भले के लिए काम कर रहा है, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में उनके नागरिकता के मुद्दे सुलझ सकते हैं, तो उनका जो संगठन का एक मुश्त वोट होगा वो उस पार्टी की तरफ जा सकता है जो कि उसे ये समझाने में कामयाब हो जाए कि वो उनके हितों के लिए काम करेंगे। जा रही है क्योंकि कल बांग्लादेश में जब मथुआ मंदिर में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखना होगा बंगाल पर उसका क्या असर होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी बता दें, पीएम मोदी कल बांग्लादेश में मथुआ मंदिर में जाएंगे और वहां उनके साथ मथुआ समुदाय से आने वाले और बंगाल के बन गांव से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। शांतनु ठाकुर से बात की है जी मीडिया की सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य ने, सुनिए जरा। बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बांग्लादेश निकल रहे जी, जी। ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसे पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। पिछले साल ही मैंने बोला था माननीय प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश जाने के लिए, उन्होंने जाने के लिए भी राजी हो गया था, लेकिन ये अचानक कोविड पैंडेमिक जो आ गए थे इसके कारण ही बंद हो गया। इस बार बांग्लादेश के दौर में जा रहे हैं, पूरे बांग्लादेश के टूर में, सिर्फ ओड़ाकांदी के लिए नहीं है। अगर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी सोचेगा कि सिर्फ इसके लिए जा रहे हैं तो ये गलत बात है। CA को लेकर मैनिफेस्टो में तो बात कह दी गई, पहली कैबिनेट मीटिंग में पास कर देंगे, लेकिन लागू अभी तक हुआ नहीं, उसको लेकर नाराजगी भी थी। देखिए, हमारा मांग था माननीय गृहमंत्री जी आके बोले, तो आके मथुआ समाज को एड्रेस किए, उद्वास्तु समाज को एड्रेस करके गए हैं, ये सबसे बड़ा बात है। और कैबिनेट गठन होने के बाद ही ये लागू हो जाएगा, तो अभी क्या है इसको लेके क्यों बार बार एक चीज बोल रहे हैं? दीदी कह रही है CA NRC अगर लागू हुआ तो मथुआ समाज की जमीन खिसक जाएगी, पहचान चली जाएगी। दीदी का बातों का कोई भरोसा नहीं है, क्या करने से विधानसभा चुनाव में जो है सुब्रत ठाकुर जो कि शांतनु ठाकुर के बड़े भाई हैं और इस बार उन पर दाव खेला है क्योंकि मथुआ समाज में इन लोगों की पैठ बहुत ज्यादा है। इस बार मथुआ समाज किसकी ओर जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त खुद सुब्रत ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री का जो बांग्लादेश दौरा हो रहा है उससे मथुआ समाज को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री की ये जो दौरा जो है ना, उन जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये एक साल पहले ही एक शेड्यूल हुआ था। मेरा छोटा भाई शांतनु ठाकुर, माननीय शांतनु ठाकुर जो बनगा लोकसभा के अभी MP है और ऑल इंडिया मथुआ संघ के संघाधिपति है, तो उन्होंने भाई ने उनको इन्वाइट किए थे कि हमारा जो धाम है, अब ये सेकेंड धाम फर्स्ट धाम है, पूरा पुराना जो धाम है सीधा मोड़ाकांदी, वहाँ पे आप आओ और आके देखो कि ये जो मथुआ लोग जहाँ
यानी धाम को मानते हैं और कहाँ से हम लोगों का रूट है, रूट जो है ना, जो मेन रूट वो कहाँ से है। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो चीज जो है ना ये पहले से ही यानी मीन्स पहले से तैयार हो गया है और पहले से ही भाई ने इन्वाइट किया है। हरिचंद ठाकुर के जन्मस्थली भी जाएंगे, मथुआ समाज के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, ऐसी भी बात सुनने में आ रही है, हो सकता है। तो उसका डायरेक्ट असर यहाँ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। हाँ उसमें तो पड़ेगा ही, पॉजिटिव पॉजिटिव तो होना ही है।